मॉम की लीडर समझते हैं, कभी डाल डाल कभी पात पात, आज इधर तो कल और परसों किधर हमें भी नहीं पता, ये इधर उधर किधर। ऐसा समझो कि एक आदमी 100 नंबर का पेपर देने जाए और उसके चार सवाल गलत हो जाए 20 नंबर के, 20 नंबर काट लो, 80 दे दो, पास तो फिर भी है और बढ़िया नंबर से है, कमी ढूंढो, उस कमी के नंबर काट लो, बाकी नंबर तो दोगे ना यार, तुम तो सारे काट लेते हो। एक सवाल गलत किया 100 में से 0, जा फेल तू, ऐसा कहीं होता है इस दुनिया में यार? तो बोला हां बात तो ये भी ठीक है, कमियां निकालते रहेंगे तो ये दुनिया छोटी हो जाएगी सर। दूसरा कारण मॉन्की लीडर्स, आज यहां कल वहां और परसों कहां हमें भी नहीं पता, मॉन्की लीडर्स। वो कहते ना कि जंगल में एक बार चुनाव हो गया तो बंदर ने बोला राजा इस बार हम बनेंगे, ये शेर के बाप का राज चल रहा है हर बार, एक बार तो हमको बनाओ, एक बार हमको बनाओ, बन जा तू, बन जा, जा। बंदर बन गए राजा, बकरी हो गई चोरी, शेर के पास आए सारे, महाराज बकरी चोरी होगी, बोला मैं राजा नहीं, आई एम नॉट मोर एनी मोर किंग, अब उसके पास जाओ। अब वो बंदर के पास गया, महाराज अब तो आप ही राजा हो, कुछ करो। बंदर ने बोला चिंता मत करो, अभी ढूंढ देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बंदर महाराज तो पेड़ पे बैठे रहते थे, उधर से कूदे खटाक, लोगों ने देखा बंदर महाराज हरकत में आ गए, राजा हरकत में आया, कुछ करेगा। नीचे कूदे, दूसरे पेड़ पे चढ़ गए, दूसरे से कूदे, फिर तीसरे पे चढ़ गए, फिर तीसरे से कूदे, फिर चौथे पे, लोगों ने बोला राजा जी कुछ करेंगे। चौथे से नीचे, फिर पांचवे पे चढ़ के कूदे कूदे कूदे, एक घंटा हो गया, लोगों ने बोला महाराज बकरी, बकरी कब आएगी। बोला बकरी का नहीं पता, मेरे एफर्ट्स में कोई कमी हो तो बताओ, अपन काम बढ़िया कर रहे हैं यार। एक से कूदेंगे, दूसरे पे, दूसरे से कूदेंगे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, फिर बोलेंगे मेहनत बहुत बड़ी करी भैया, हमारे काम में कोई कमी है तो बताओ। दीज आर कॉल्ड मॉन्की लीडर्स। अपनी गलती इस दुनिया में बताने वाला आपको कोई मिला है आज तक? दो गाड़ियां ठुक जाएं आपस में रोड पे, दोनों क्या बोलेंगे, साले तेरे मार दी। क्लेम एंड ब्लेम की पॉलिसी चलती है इस देश के अंदर, अच्छा हो गया तो मेरी वजह से हो गया और खराब हो गया तो। आप में से कोई आदमी का कोई सपना ऐसा था जो पूरा नहीं हो पाया, अब मन करता है करने का? ईमानदारी से बताना यार, है ना, कोई सपना था यार जो पूरा नहीं हो पाया, अब मन करता है कि मैं कर लूं। कि एजुकेशन में कुछ सपना था कि लगते हैं, लेकिन यार वो टाइम निकल गया, गरीबी के कारण नहीं कर पाया, एनी ऑफ द रीजंस नहीं कर पाया, लेकिन अब मन करता है कि अब करें। एडवोकेट बनना चाहते थे आप, वीरु मैडम एडवोकेट बनना चाहते थे, लेकिन अब मन करता है बनो, बन सकते हैं क्या? और क्या बनना चाहते थे, टीवी एक्टर, टीवी एंकर बनना चाहते थे, लेकिन अब मन करता है करें। और कोई एजुकेशन करना चाहता था लेकिन एजुकेशन हाथ से छिटक गई, अब मन करता है यार पढ़ाई खत्म कर लेते यार। डॉक्टर बनना चाहते थे, कहां है भैया डॉक्टर साहब, अब करना, अब कर सकते हैं क्या? डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, तो अब बन जाइए, क्या दिक्कत है, उम्र निकल गई 49, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मेरा समझाने का बड़ा सिंपल मतलब है यार, अगर आपको सीए करना है ना तो 99% सीए की एक निश्चित एज होती है यार, किस उम्र में करना पड़ेगा। हेलो, एमबीए करना है तो उसकी एक एज है ना यार, डॉक्टर करना है तो उसकी एक एज है, लॉयर बनना है तो उसकी एक निश्चित एज है, आपको एक मॉडलिंग करनी है तो उसकी एक निश्चित एज है, आपको आर्मी में जाना है निश्चित एज है, 50 साल में कीड़ा जागा देशभक्ति का, जा सकते हो आर्मी में, बढ़ाएंगे रैपिड मार के, बोले तो बंदूक ही नहीं उठ रही, देश कैसे उठाएगा रे है? तो हर ड्रीम को पूरा करने की, हर चीज को पूरा करने की निश्चित एज होती है। आपको मॉडलिंग करनी है, आपको एक निश्चित एज मॉडलिंग में एंटर करना पड़ेगा। आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको 15 साल 12 साल में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 17 18 साल के अंदर अंडर 18 खेलोगे, फिर अंडर 21 खेलोगे, फिर नेशनल टीम में जाओगे। हर प्रोफेशन की, हर अचीवमेंट की, हर सपने की एक निश्चित एज होती है, वो एज निकली आपका सपना पूरा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, और हर प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर करिकुलम लगता है, एक पर्टिकुलर बायोडाटा लगता है आपका, एक पर्टिकुलर एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगते हैं। अगर आपको सीए करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? कि आपको ग्रेजुएशन में इतने नंबर आना मांगता है, ट्वेल्थ में इतने नंबर आना मांगता है, नॉन मेडिकल में जाना है तो इंजीनियरिंग में जाना है इतने नंबर आना मांगता है, मेडिकल डॉक्टर बनना है तो 12वीं इतने नंबर से करना मांगता है, कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि नहीं रहते?
हर एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया, एज लगता है, टाइम लगता है, पैसा भी लगता है। आपका मन है डॉक्टर बनने का, एज भी है और पैसा नहीं है, तो क्या करोगे बताओ? पैसा लगता है ना, करोड़ दो करोड़ जो भी लगता होगा वर्षों वर्ष। एज भी है, टाइम भी है, लेकिन पैसा